वो एडिट कर देती है दिस वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डाउनटाउन एंड हम जाने वाले आइसक्रीम खाने के लिए। वी आर नॉट गोइंग डाउनटाउन। नो, के पास है। ओह अच्छा, वो वाला। ऑफ कोर्स, ठीक है। तो प्लान में चेंज हो गया। प्लान में चेंज है भाई, प्लान में चेंज है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए, जो कि हमारे घर के थोड़े ही दूर है। तो यहाँ पे क्या है कि आइसक्रीम वो डायरेक्ट स्कूप में नहीं मिलता है, तो इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है जो कि अनुज बताएगा। क्या प्रोसेस होती है, क्या बताऊँ मैं? मतलब ऐसा मेरे पे छोड़ दिया सब कुछ, मैं ये बताएगा पर क्या भाई, मेरे को भी नहीं पता। बात तो सही है। आपको आइसक्रीम की जो फ्लेवर है वो चूज करनी है, एंड उसके बाद काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक नेस्ले क्रंच एंड चॉकलेट चिप्स एंड मतलब जो कुछ भी ऊपर से डालना हो। खुद का जो फेवरेट है वो बता दिया। हाँ मेरे को वही याद है, मेरे को याद ही नहीं है कौन से ऑप्शंस है। जनता माफ नहीं करेगी। तो काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, एंड बाद में वो हम जैसे आटा गूंथते हैं ना, वैसे वो लोग करते हैं, एंड उसके बाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो आज अगर पॉसिबल होगा तो मैं शूट कर लूंगी। जो उसकी जो साइज होती है वो स्मॉल, मीडियम और लार्ज होती है, पर अगर आप स्मॉल भी लेते हैं ना तो भी एकदम दो बंदे खा सकते हैं एकदम आराम से। इतना मस्त होता है। हमने एक बार एक्सीडेंटली मीडियम ले लिया था तो पूरा खा के थक गए, फिर भी खत्म नहीं हुआ। तो लेकिन आज हम लेंगे मीडियम। नहीं नहीं, आज स्मॉल ही रखेंगे। नहीं मीडियम, क्योंकि स्मॉल एंड मीडियम के बीच में इतना ज्यादा फर्क ही नहीं है, सिर्फ एक या दो डॉलर का। ओह शिट, नहीं नहीं आई नहीं थी। ओके, अभी हमारी बस चली जाती, मेरे को लगा ये हमारी बस है, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन वाली थी। सही, वो भी तेरे को एक्सप्लेन करना चाहिए व्लॉग में कैसा चलता है। ओ, बस हाँ, का यहाँ पे वो हम कर सकते एक बस है। एक बस दूसरी डायरेक्शन में जाती है, एक बस दूसरी डायरेक्शन में जाती है, दोनों का नंबर सेम होता है। हाँ, दोनों का नंबर सेम होता है, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग होती है। इसे आपको पता चलेगा वो हम दिखाएंगे, बिकॉज इफ यू आर कमिंग न्यू टू कैनेडा तो वो आपको काफी हेल्पफुल होगा। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखेगा। तो, 1 2 3 Let's get. Okay, let's start. Okay. And without any delay, let's start. So now I will show you कि यहाँ पे अगर आप नए आ रहे हैं तो वो बस का आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किसी भी एरिया में जाना है तो कौन सी बस पकड़नी होगी, एंड यहाँ पे बस स्टॉप पे नंबर होते हैं तो आपको वो वेरीफाई करना होता है, तो वो भी मैं बताऊँगी कि वो कैसे होता है। सो लेट्स सी। बस नंबर 34 and our bus stop number is 2846. So now करना है कि ये क्या है bus stop number, तो वहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि same number है और हम हमारे जो destination है वहाँ पर पहुँच जाएंगे, वो देखना है। और उसके exact सामने भी आपको दूसरा stop मिलेगा, तो you just have to make sure कि you are at the right place. And इसके लिए आपको क्या करना है कि Google Map में अपना location add on कर देना है और जो destination है वो डाल देना है बस, और सिर्फ बस route select करना है, that's all. Anything else to it? Yeah. Nestle Crunch? Yeah, there's already Nestle Crunch in it. Okay, okay. Oreo cookies? Yeah. Chocolate chip. Brownie add karan? Yeah. Brownie. Anything else? Thank you.
ओके गाइस, सो वी आर गोइंग बैक एंड बहुत ही मजा आया, बहुत ही मस्त था आइसक्रीम। एंड हमने ट्राई किया था चॉकलेट वाला, सो हमारे तीन फेवरेट है, एक है रेड वेलवेट, एक है चॉकलेट एंड एक है कुकी एंड क्रीम। सो इफ़ यू आर गोइंग जस्ट कंसिडर इट, अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है। और ऐड करवाने में वो नेस्ले क्रंच, ब्राउनी और या कुकीज एंड वाइट चॉकलेट, या सो ये जो ऐड ऑन करना होता है उसमें आप ये ऑप्शंस कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पसंद है, पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं। ओके सर, तो हम लोग अभी आ गए हैं गार्डन में एंड अभी बजे है 8:30 एंड यू कैन सी कि अभी भी सनसेट नहीं हुआ है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो यहाँ पे लोग अपने घर पे बोट रखते हैं एंड बाद में ऐसे ले जाते हैं बीच पे एंड बाद में एकदम ही चिल करते हैं। अनुष की स्किल इम्प्रूव हो रही है बिकॉज ऑफ माय व्लॉगिंग। ले ले अभी का जो शॉट उसने लिया है ना वो बहुत ही बढ़िया आया है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि उसकी स्किल बिकॉज ऑफ मी अच्छी हो रही अच्छा। है। अच्छा मतलब वो ऐड कर देगी इधर किधर, पता नहीं कितना कट कर देती है मेरा शूट किया हुआ कंटेंट। कुछ भी नहीं कट करती, मेरे शूट किया हुआ कंटेंट के साथ हमेशा ऐसा इनजस्टिस होता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, वो एडिट कर देती है। हाँ तो यहाँ के समर की यही खासियत है कि जब समर होता है तो 9:30 सनसेट होता है एंड जब विंटर होता है तो कितने बजे हो जाता है सनसेट? 4:30-5 या टोटल कंप्लीट ब्लैकआउट। सो मेरा तो अभी एक भी विंटर नहीं गया है, सो आई हैव नो आइडिया। बट 8 के बाद तो सिर्फ अगर किसी को कुछ ग्रोसरी का काम है तब भी लोग निकलता है, बाकी तो कोई निकलता नहीं, तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि इतने लोग भी रहते हैं। एक तो ऑलरेडी पॉपुलेशन कम है, उसमें विंटर में कोई दिखता ही नहीं। हाँ एंड समर में इतने ही लोग मतलब बाहर निकलते हैं अपने डॉग्स को लेके, फिर बच्चे को लेके भी निकलते हैं वॉकिंग करने के लिए। सो समर में बहुत ही ज्यादा मजा आता है एंड विंटर में आएंगे उतना ही कम मजा आएगा। आएगा हाँ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोले कि समर में कितना मजा आता है और इतना ही अभी चंद महीनों की देर है सीजन चेंज होने में। तो हम लोग अभी जहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए गए थे ना वो थोड़ी सी कॉस्टली है उसकी आइसक्रीम। सो इफ आई टॉक अबाउट द प्राइजेस, सो जो स्मॉल साइज का कप आता है उसकी प्राइस है $9, जो मीडियम साइज का कप आता है उसका है $10.5 आई गेस एंड जो लार्ज है वो 11.5 के आसपास है। सो काफी कॉस्टली है आई मीन कंपेरेटिवली, बिकॉज हम जो घर पे वो जो आइसक्रीम के डिब्बे लाते हैं वो $5 में वो बड़ा वाला आ जाता है एंड यहाँ पे स्मॉल साइज सिर्फ $9 की है। सो है कॉस्टली तो है लेकिन वर्थ इट है, आई मीन अगर आप लोग एक बार वो टेस्ट करेंगे सो आई डोंट थिंक सो कि आप लोग अपने आप को रोक सकोगे दूसरी बार जाने से। बहुत बहुत जबरदस्त, हाँ बहुत बहुत बढ़िया आता है। सो कभी कभी चल जाता है, रेगुलरली तो नहीं खाना चाहिए लेकिन कभी कभी चलता है। अच्छा हमको सिखा रही है। और यहाँ की जो प्राइसेस सेट होती है वो ऑलवेज बिफोर टैक्स होती है, तो लेट्स से अगर इसने बोला कि $9 तो $9 के बाद टैक्स लगता है, तो $9 इंटू 13% अरे कहना क्या चाहते हो? ओके सो दैट्स ऑल अबाउट दिस स्मॉल व्लॉग, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।